hello to everyone i welcome you all on abhimanyu IAS youtube channel and today we are going to cover the first and second week of february important current affairs of jammu and kashmir so let's begin with this session the first news is related to a new sports policy so in order to promote the sporting culture in jammu and kashmir recently administrative council met and uh, under the chairmanship of lieutenant governor manoj sina and they have approved the jnk sports policy 2022.

एंड इसके अलावा वी टॉक अबाउट कि एनुअल अवार्ड्स भी दिए जाएंगे एनुअल अवार्ड्स लाइक अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन द स्पोर्ट्स फॉर टेन स्पोर्ट्स पर्सन अपार्ट फ्रॉम दिस जे एंड के खेल प्रोत्साहन अवार्ड भी दिया जाएगा फॉर स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड पशुराम अवार्ड फॉर द बेस्ट कोचेस फाइव बेस्ट कोचेज द डिफरेंट डिसिप्लिन सो इसमें यह भी इंक्लूड किया गया है रिवॉर्ड देना अवार्ड देना इसके अलावा जो है स्पेशल कैश अवार्ड्स विल ऑल्सो बी गिवन टू द विनर्स इन द ओलम्पिक्स एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन चैंपियनशिप सीनियर एंड जूनियर वर्ल्ड कप यूथ ओलम्पिक गेम्स स्पोर्ट्स एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप्स इन द रेंज ऑफ वन लैख टू रुपीज वन करोड़ ओके एंड स्पेशल एम्फेस विल ऑल्सो भी गिवन टू मीट द स्पोर्टिंग नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड स्पोर्ट्स right uh, by creating a sufficient infrastructure and training facility to make sure that they participate in uh, to their uh, full capacity in various events right so department will also organize several para games also at the district and ut levels okay iske this sports policy will also provide uh, annual recruitment of outstanding sportsperson पार्टिसिपेशन इन रिक्नाइज इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉम्पिटिशन सो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट भी उन्हीं का होगा जो अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी सो उनका आगे जाके रिक्रूटमेंट भी हो किया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर ही ये दिया गया है राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर बात चल रही है और जो डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक रिफरेंसेज इज गोइंग टू विद द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग दीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसी के अंदर पढ़ते हैं व्हाट इज द प्लान प्लान ये है रोड मैप इज टू बी क्रिएटेड एंड इसके अंदर जो है तीन इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे ये दोनों के दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं दिस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट दे आर गोइंग टू कम टूगेदर टू मोनिटर द प्रोग्रेस थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल तो एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो सेटअप होगा एंड जो ऑनलाइन मोनिटरिंग किया जाएगा ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ सिटीजन इन वन फिफ्टी ई सर्विसेज वट एवर द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा एंड उस मॉनिटरिंग में ये चेक किया जाएगा हाउ मच सिटीजन्स आर सैटिस्फाइड विद दीज ई सर्विसेज राइट right? इसके अलावा इसके अंदर ये भी है कि ई एच आर एम एस इज टू बी अडॉप्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर ई एच आर एम एस इज टू बी अडॉप्टेड राइट एंड आल्सो एनआईसी सेंटर जो है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है इज आल्सो इज टू क्रिएट एन ऑनलाइन डैशबोर्ड मॉनिटरिंग टूल्स टू कलेक्ट द डेटा सो एनआईसी क्या किया जाएगा एनआईसी एक इस तरीके का ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाएगा ताकि उस ऑनलाइन डैशबोर्ड के अंदर टूल्स हो जो डेटा कलेक्ट कर पाए इस तरीके से Now, 150E, जो हैं, ना फिफ्टी कि इस लेवल तक की सर्विसेस प्रोवाइड करनी चाहिए बेंच डिसाइड हो जाएगा एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द कश्मीरी राइट वट इज ई एच आर एम एस ई एच आर एम एस इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है और ये ऐसा सिस्टम है जो डिजिटल डि, डि, डिजिटाइज कर देगा एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड्स को जी को पेंशन बेनिफिट्स को एंड ग्रेचुटी को राइट तो इतना आप याद रखिएगा नेक्स्ट इसी के अंदर है आ, वी टॉक अबाउट द रोड मैप और रोड मैप के अंदर हमने बात किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज को मॉनिटर किया जाएगा ई e सर्विसेज को मॉनिटर किया जाएगा थ्रू क्रिएटिंग दैट ऑनलाइन पोर्टल और फिर डैशबोर्ड बनाया जाएगा फिर टूल्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर जो है डेटा कलेक्ट किया जाएगा राइट और इससे क्या होगा अल्टीमेटली अल्टीमेटली uh, ये इन्फ्रेंस निकला निकाला जाएगा कि कितना सैटिस्फाई किया जा रहा है एक कश्मीरी को राइट बट अभी तक हम लोग देखें तो व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट सो फार हैड बीन इंप्लीमेंटेड तो उसमें क्या प्रोग्रेस देखी गई है क्या क्या रिफॉर्म्स है फॉर एग्जाम्पल द श्रीनगर सेक्रेटेरिएट की बात करें या जम्मू सेक्रेटेरिएट की बात करें वर कन्वर्टेड इन टू पेपरलेस सेक्रेटेरिएट दैट्स वेरी गुड एक इम्प्लीमेंटेशन है दे हैव एडोप्टेड दर्जन सेवन पॉइंट ओ

तो ये जो डिपार्टमेंट है और पब्लिक इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन ठीक है इसके अंदर जो है इस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट काम करता है राइट right? और एक और चीज है, है ये इंडेक्स है ये इंडेक्स कौन सा है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इट वॉज लॉन्च बाय होम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ठीक है और ये जो इंडेक्स है ये परफॉर्मेंस को अह वे करता है ठीक है ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को बेस्ड ऑन 58 इंडिकेटर्स तो 58 इंडिकेटर्स के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट्स को परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है राइट चलिए अब हम लोग बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर इन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सो जेएनके हैज बिकम फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी इंटीग्रेटेड विद द सिंगल विंडो सिस्टम ठीक और इस सिस्टम के तहत जो है जितनी भी इट्स लाइक मोर देन 130 इंडस्ट्रियल सर्विसेज जो हैं, इस सिस्टम के अंदर अभी ऑनलाइन कर दी गई है इस सिस्टम के अंदर एंड 160 मोर सर्विसेज आर टू बी एडेड राइट सो जे एंड के बिकम द फर्स्ट यूटी टू बी इंटीग्रेटेड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ठीक है चलिए अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वॉट एग्जैक्टली दिस मीन्स नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो फ़टाफट आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं अप्रूवल्स के लिए कि हाँ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर रीजन मुझे परमिशन चाहिए तो वो फटाफट वहाँ से इस पोर्टल के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आप वहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑल्सो ये जो प्लेटफॉर्म है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एडवाइजरी सर्विसेज ऑल्सो पोर्टल गिव्स अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अप्रूवल राइट तो ये एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम है जहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है आइडेंटिफाई uh, करने की कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और फिर अप्लाई फॉर अप्रूवल एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेस कि कहाँ कहाँ Uh, कितना ज़्यादा वो जो अप्रूवल है उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है राइट right? चलिए इसके अंदर हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड की सो so, uh, कश्मीर के अंदर काफी से uh, काफी टाइम uh, से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है सो वी टॉक अबाउट इज ये जो रिफॉर्म्स है दे आर मोर एम्ड टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन दी कश्मीर रीजन राइट सो रिफॉर्म्स बींग इंट्रोड्यूस इन द कश्मीर आर ब्रिंगिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग 2021 अलोन की बात करें अकेले 2021 की बात करें सो कश्मीर रिसीव 70,000 थाउजेंड करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है एंड की ड्राइविंग फैक्टर जो है इतने सारी इन्वेस्टमेंट का इज़ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम ठीक है इज़ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम और स्कीम वॉज अनाउंसड इन जनवरी 2021 ट्वेंटी वन एंड द टोटल आउटलेव ऑफ रुपीज ट्वेंटी एट स्कीम के अंदर इतना बजट था राइट right? तो इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ वी टॉक अबाउट द करंट ठीक है? करंट के अंदर देखा जाए तो कश्मीर जे एंड के इज गोइंग अंडर गोइंग न्यू फेज ऑफ डेवलपमेंट राइट सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फोकस ग्रोथ सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फोकसड ग्रोथ इन द डायनामिक सेक्टर्स जैसे कि अपना हॉर्टिकल्चर हो गया काफ़ी मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर सेंटर जो है काफ़ी कोशिश कर रही है फंड्स रेज करने फंड्स को पंप uh, uh, करने की राइट right? और कोशिश कर रही है कि एक फोकस ग्रोथ जो है पकड़ा किया जाए एंड इट इज़ डायनामिक सेक्टर फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर रियल स्टेट एंड टूरिज्म ठीक है एंड ऑल दीज रिफॉर्म्स ये सारे रिफॉर्म्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है टू ब्रिंग मोर एम्प्लमेंट ऑन ऑन द स्टेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना ताकि जो यूथ है जे का उसकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाया जाए अगर नहीं ले जाया जाएगा ऑब्वियसली देर बी अ करप्शन टेररिज्म एंड अ न्यू टर्म जो आज के टाइम पर देखने को मिल रही है दैट इज़ हाईब्रीड टेररिज्म तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं एंटी गवर्नमेंट मिसहैप्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती यूथ को तो ये एक बहुत ही अच्छा एक चैलेंज uh, को एड्रेस करने का अप्रोच है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इज द नीड ऑफ एन आर फॉर दैट रीजन ओके एंड व्हाट इज हु इज द नोडल एजेंसी ठीक है सो नोडल एजेंसी कौन सी है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इज द करेंट नोडल एजेंसी इन इम्प्लीमेंटिंग द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इन द यूनियन टेरिटरी सो so, कौन सी है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स राइट एंड ये डिपार्टमेंट जो है ये मेक श्योर sure करेगा कि जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लाइंग ठीक है टू द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस बर्डन 2022 मतलब ये डिपार्टमेंट कोशिश करेगा मेक श्योर sure करेगा कि जे एंड के का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो किसके हिसाब से चल रहा है जो 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 चीज़ें दे रखी हैं प्रोविजंस दे रखी हैं

एंड इट वॉज बिल्ट बाय वसीम शाह दी ओनर राइट चलिए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अबाउट दी कैफे की बात करें तो इसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि कैसे कैसे ये कितना फीट हाइट में है ये इसको सिर्फ हमने रीड करना है याद नहीं रखना है बिकॉज वी नो बट आउट ऑफ क्यूरोसिटी देख सकते हैं बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईग्लो कैफ़े राइट तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी पढ़ने का बनता ही है सो द कैफे हैज़ बीन बिल्ड इन गुलमर्ग कश्मीर के अंदर इट इज़ फोर्टी फोर पॉइंट फाइव फीट इन डाया मीटर एंड थर्टी सेवन पॉइंट फाइव फीट इन हाइट द कैफे हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द रीजन ठीक है दो सेक्शंस है कैफे के एक सेक्शन है आर्ट एंड अदर जो है उस सेटिंग के लिए है ठीक है तो एक आर्ट के लिए दूसरा सेटिंग के लिए है द कैफे कैन एकोमोडेट फोर्टी पीपल और जो शीप की स्किन होती है उसको यूज किया गया था टू तो मेक द सीट कवर फॉर द रेस्टोरेंट ठीक है एंड सत्रह सो मैन डेज लगे टू फिनिश द प्रोजेक्ट एंड इन ऑल सिक्सटी टू सिक्सटी टू डेज एंड ट्वेंटी फाइव लेबर्स वर देयर

वो थ्री टू फोर मीटर थ्री टू फोर फीट टॉलर है देन वन इन अंडरस्टैंड ठीक है अब इग्लू की बात करें तो इग्लू जो होता है इज स्नो हाउस दैट इज स्नो हाउस अब ये जो स्नो है ये ट्रैप करती है एयर मॉलिक्यूल्स को एंड दीज एयर मॉलिक्यूल्स कीप हाउस वॉर्म अब कितना हाउस गर्म रहता है वो देख लेते हैं आउटसाइड टेम्परेचर मान के चलिए अगर माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस है सो इन साइड टेम्परेचर जो होगा वो माइनस सेवन डिग्री सेल्सियस होगा ठीक है तो इतना डिफरेंस जो है इस कंस्ट्रक्शन uh, से हो जाता है राइट right? मतलब स्नो हाउस के अंदर इतना डिफरेंस देखा जाता है सो so, जो बेस्ट स्नो होती है जिससे ये इग्लू uh, बन सकता है वो होती है जो हवा के द्वारा लेकर आई जाती है स्नो राइट सो विच इज ब्लोन बाय विंड ठीक uh, है एंड द स्नो दैट सेटल्ड ऑन द ग्राउंड इज प्रोन टू वेदरिंग वेदरिंग ठीक है है इज प्रोन टू अब साइंस क्या बिहाइंड वेड इग्लो देखिए स्नो हैज अ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ठीक है तो इट इज मेड अप ऑफ 90 टू 95 परसेंट ऑफ एयर इस स्नो के अंदर 90 से लेके पिचानवे प्रतिशत जो होता है वो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है थेके? और एयर जो होती है स्नो के अंदर वो क्या कर देती है हीट ट्रांसफर को स्लो डाउन कर देती है इसीलिए वो जल्दी ठंडे नहीं हो पाते हैं इट टेक्स टाइम ठीक है time, और थर्स ह्यूमन बॉडी हीट एंड हीट प्रोड्यूस यूजिंग द फायरवुड स्टेज इन साइड द इग्लू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम राइट तो इसीलिए सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है हम लोग जनरली वो इग्लूज जो देखे होते हैं हमने देखे होते हैं वो कंस्ट्रक्शन जो है पोलर रीजन्स में मिलती है इग्लू मेड ऑफ स्नो और आइस ये सवाल है इट इज वेरी सिंपल दैट इग्लू जो होता है वो आइस से नहीं बनाया जा सकता है इट इज मेड ऑफ स्नो ठीक है एंड स्नो इज वॉट इट इज द फ्रोजन एटमोस्फेरिक वेपर ठीक है इट इज अ फ्रोजन एटमोस्फेरिक वेपर एंड जो स्नो होती है वो ज्यादा पोरस होती है इसीलिए इसमें ज्यादा एयर जो है मॉलिक्यूल्स होल्ड होते हैं और एयर क्या करता है स्लो डाउन कर देता है एयर मॉलिक्यूल स्लो डाउन कर देता है हीट ट्रांसफर को एंड ऑब्वियसली देर फोर इट प्रोवाइड्स द इंसुलेशन राइट फ्रोजन वाटर इज आइस ओके चलिए नेक्स्ट इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इट टॉक्स अबाउट इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 ठीक है सो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिसेंटली रिलीज हुई है बाय द राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ठीक है सो so, इसके द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया है एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट रिपोर्टीन मीडिया हाउसेस एंड न्यूज पेपर्स टारगेटेड इन दी हंड्रेड एंड एट जर्नलिस्ट टारगेटेड एंड जर्नलिस्ट वर टारगेटेड ठीक है सॉरी हंड्रेड एंड एट जर्नलिस्ट वर्ड एंड सिक्स जर्नलिस्ट वर किल्ड अब ये तो फैक्ट है ये तो डेटा दे रखा है इन्होंने राइट्स एंड रिसर्स एनालिसिस ग्रुप ने एंड uh, uh, इसमें थोड़ा सा ग्लूमी पिक्चर देखने को मिलती है और इसके ऊपर जो है और हम लोग देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीजें बोली गई हैं ठीक है ठीके? इसमें बोला गया है द हाइस्ट नंबर ऑफ जर्नलिस्ट अटैक्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया है द हाइएस्ट नंबर ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ जर्नलिस्ट अटैक वॉज इन जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के फेस्ड मोर देन ट्वेंटी फाइव अटैक्स ठीक है एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड हाइएस्ट सेकेंड हाइएस्ट है इन उत्तर प्रदेश विध ट्वेंटी थ्री आपको देखने को मिलेगा ट्वेंटी थ्री नंबर प्रदेश आ गया त्रिपुरा आ आ गया आ गया दिल्ली बिहार असम हरियाणा महाराष्ट्र गोवा मणिपुर कर्नाटका वेस्ट बंगाल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड केरला छत्तीसगढ़ राइट तो ये फिगर्स जो है थोड़ा सा और नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है वैसे तो हमने देख लिया कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा अटैक है, बट अगर बात करें त्रिपुरा की त्रिपुरा में है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैक्स बाय नॉन स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं ठीक है स्टेट एक्टर्स तो आपको पता है स्टेट एक्टर हो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो डायरेक्टली एफिलिएटेड नहीं होते या जुड़े नहीं होते सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार गवर्नमेंट के थ्रू फंड नहीं होता या डायरेक्ट नहीं किया जाता एफिलिएट नहीं होते थ्रू गवर्नमेंट okay. तो नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरी की बात करें तो वहां पे त्रिपुरा है जहां पे सबसे ज्यादा अटैक्स हुए हैं ठीक है और अगर 2021 की बात करें तो 44 फोर एफ आई रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑफ आई पी सी ठीक है एनी पर्सन जो कोई ऐसे काम करता है दैट आर इन लीगल दैट आर इीगल और दैट आर प्रोवोकेटिव मतलब कुछ भड़काऊ चीज कर रहा है टू अदर्स शेल बी पनिश्ड विद दी इम्प्रेजनमेंट ठीक है इतनी सी बात लिखी हुई है सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी में दैट कोई भी व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है जो क्या है प्रोवोकेटिव है या फिर इलीगल है तो उसको जो है पनिश किया जाएगा विद दी इम्प्रेजनमेंट ठीक है इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करते हैं मतलब अनुमान लगाते हैं कि ये जो पूरे फैक्ट्स डेटा दिखाया जा रहा है इससे क्या दिख रहा है इससे यही दिख रहा है कि हमारा जो सिविल सोसाइटी है वो कंट्री में डेटोरिएट हो रहा है ठीक है और इनफैक्ट सम ऑफ दी एक्टिविस्ट या लोग ये भी कहते हैं इन द कंट्री दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट ये जो आई रूल्स है कौन से रूल्स आई रूल्स है इज वन ऑफ द स्टैंडिंग प्रूफ कि करंट रूलिंग गवर्नमेंट इज नॉट विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस इट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब उसको दबाने की कोशिश की जा रही है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेकर आई और इसकी वजह से क्या है प्रेस फ्रीडम के ऊपर बहुत ज्यादा लगाम हो जा रही है हो, होती हुई दिख रही है ठीक है सो so ये जो आई टी रूल्स है जिसको हम लोग इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड कहते हैं इसमें है क्या क्या इन रूल्स के अंदर ये रूल्स हैं दे वर फ्रेम्ड टू व्हाट रेगुलेट द डिजिटल कंटेंट कि डिजिटल कंटेंट जो भी दिख रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए एंड दे वर फ्रेम्ड अंडर आईटी एक्ट 2000 दे वर फ्रेम्ड अंडर आईटी एक्ट 2000 सो so ये जो रूल्स हैं इट सेज दैट मंथली रिपोर्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द मीडिया प्लेटफॉर्म्स मंथली रिपोर्ट जो है वो होंगी साथ ही साथ ग्रिफरेंस पोर्टल जो है शुड बी कंट्री ठीक है एक होगा appoint करना पड़ेगा एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड रिमूव द कंटेंट इफ देर आर कंप्लेट ओवर डिग्निटी ऑफ द यूजर राइट तो ये जो है कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं सबसे पहले बात करेंगे मंथली रिपोर्ट देनी पड़ेगी साथ ही साथ एक ग्रीवरे पोर्टल भी सेटअप करना क्रिएट करना पड़ेगा साथ ही साथ चीफ कप्लाइस ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा एंड ऑल्सो इफ एनी इफेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ द यूजर देन आपको वो कंटेंट मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉट इज प्रोजेक्ट सद्भावना प्रोजेक्ट सद्भावना सद्भावना का मतलब होता है गुडविल एंड ऑपरेशन सद्भावना वॉज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट आ सकती है क्वेश्चन के करंट अफेयर सेक्शन के अंदर ठीक है तो ये इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है इसका ऑब्जेक्टिव यही है इज टू हेल्प पीपल हु आर गेटिंग इफेक्टेड बाय द टेररिज्म इन द रीजन ठीक है एंड ये जो ऑपरेशन है दिस मेनली टारगेट्स टू एड्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल कि जो लोगों का बहुत यूथ होता है जो इफेक्टेड हो जाता है तो उसकी एस्पिरेशन को आ, मीट करना कि वो चाहता है कि मैं कोई अपना बिजनेस शुरू करूं या अपना पढ़ाई पूरी करूं या कहीं जॉब लगूं तो उसके एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया जा रहा है राइट ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 50 परसेंट जो पैसेंजर्स हैं टैक्स वेव होगा वेवर मिलेगा उनको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो रिसेंटली बैठी है उस अंडर दिन हेडशिप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में उन्होंने अप्रूव कर दिया है एग्जम्पन ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ पैसेंजर टैक्स चार्जेबल ऑन वेरियस व्हीकल्स जो फर्स्ट uh, अप्रैल 2020 से लेके थर्टी मार्च 2021 तक मतलब इस टाइम पीरियड तक जितने भी व्हीकल्स uh, थे उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा था पैसेंजर टैक्स लग रहा था वो अब माफ़ कर दिया जाएगा 50% परसेंट ऑफ द पैसेंजर टैक्स जितना भी चार्ज किया जा रहा था वो अब उनको वापस दे दिया जाएगा राइट क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर दिक्कतें आई और ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की कि हमने जो इतना पैसेंजर टैक्स दे रहे हैं पैसेंजर्स तो हमें मिले ही नहीं कोविड के टाइम पे तो अब उसका टैक्स देने का कोई मतलब नहीं है सो so, यस yes, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये डिसीजन लिया कि 50 परसेंट जो है वो एग्जाम कर दिया जाएगा इस तरीके से राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ फेबर आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट इन दिस इन द कॉमेंट सेक्शन राइट थैंक यू